बोले भारत माता की, भारत माता की। खाना वाना खाया कि नहीं खाया भाई? खाना मिला कि नहीं मिला? मिल गया। पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी बंधु हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा आने में विलंब हुआ है, तो आप लोगों को शायद थोड़ी परेशानी हुई होगी, लेकिन चूंकि आप ट्राई साइकिल पे जाएंगे, बैटरी मोटर्स उससे साइकिल पे भी जाएंगे, तो थोड़ी समस्या आपकी कम हो जाएगी जाने के बाद। पर फिर भी कार्यक्रम की व्यवस्था के कारण थोड़ा आने में देरी हुई, लेकिन फिर भी मैं आप सबके हिम्मत की और धैर्य की दाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। काफी लंबे समय से आप लोग विराजमान हैं। हमारे आज के इस लाभार्थी कार्यक्रम के अतिथि के रूप में हमारे जिला कलेक्टर महोदय आदरणीय उत्सव कौशल जी पधारे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और कार्यक्रम के अतिथि के रूप में हमारी पंचायत समिति जैतारण के प्रधान आदरणीय मेघाराम जी सोलंकी, उपप्रधान भाई बप्पूराम जी कुमावत और जिला परिषद के सदस्य भाई नवीन जी छाबापुर, चेयरमैन साहब मैडम जी गहलोत, मदनलाल जी नाग साहब और एलिम्को से हमारे पधारे। उपक्रम है का उसके जो प्रतिनिधि पधारे हैं ऐसे ललित जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और उपस्थित सभी हमारे तहसीलदार जी बैठे हैं, कृषि मंडी के सेक्रेटरी बहन जी वो भी हैं, शिक्षा विभाग से हमारे स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य गर्ल्स बॉयज दोनों के वो भी बैठे हैं, और उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मंच के सामने उपस्थित सभी इस कार्यक्रम के लाभार्थी भाई और बहनों। जब पिछले दिनों जुलाई में हमने ये कैंप किया था मेरे इस विद्यालय ऑफिस के अंदर, तो हम लोगों ने वो चिन्हित किया था, उसमें कुल 134 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था। ये मैं आपको बताऊं, ये जो एलिम को भारत सरकार के उपक्रम है, अभी ललित जी ने बता दिया कि ये एक CSR के रूप में आप सब लोगों को ये कृत्रिम अंग का वितरण करते हैं। तो जब जुलाई में हम लोगों ने कैंप किया था, तो उसके बाद हमने चिन्हित किया था 80% से ऊपर जिनकी भी विकलांगता रहती है, दिव्यांगता रहती है, तो उनको ये जो स्कूटी है, बैटरी वाली जो मोटरसाइकिल है वो भी हम लोग देते हैं, साइकिल जो है वो भी दे रहे हैं। उससे नीचे कुछ लोग हैं उनको, किसी को साइकिल देते हैं, किसी को जो ये देखो ये हमारे सामने बैठे हैं, इनके हाथ नहीं है, मुझे लगता है 20 सालों से इसके पास कोई पहुंचा भी नहीं था, ये बड़े परेशान थे, लेकिन आज हमारे बीच में जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन उस समय कराया था, तो देखो आज आपको एक कृत्रिम हाथ लगाए, तब इससे ये इनका जीवन जो है इतना आसान हो जाएगा। पहले भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब ये रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद बहुत जल्दी आपको दे देंगे, बीच में चुनाव की आचार संहिता लग गई, चुनाव खत्म हो गए, पहली प्राथमिकता हमारी ये रही कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ उनको हम लोग ये उपकरण वितरण करके उनको लाभान्वित कर दें। कुल 134 लाभार्थी थे, उसमें 191 उपकरण हम लोग आज दे रहे हैं, और इसकी लागत है लगभग 30 लाख रुपए के करीब किया, तो 30 लाख रुपए के उपकरण हम लोग वितरण कर रहे हैं। और जितने भी आप लोग बना रहे हो, मुझे लगता सब जैतारण विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जिनके लिए कैंप आयोजित किया था। थोड़े दिन पहले हमने पंचायत समिति जैतारण में एक कैंप किया था, उसमें 1200 के करीब ऐसे लोगों का चिन्हीकरण किया था जो दिव्यांगजन है, 40% से लेकर 80% 90% तक उनको जो ये सर्टिफिकेट बनते हैं डिसेबिलिटी के, UDID कार्ड, उनको भी हमने बना के दिया था। जिन लोगों का नहीं बना है उनका भी जल्दी हम लोग बना देंगे। अभी कलेक्टर साहब बता रहे थे 2-3-4 लोगों का कुछ कमी पैसे थी, उनको CMHO साहब को बोल दिया है, तो जल्दी आप लोगों के जिनका नहीं बना है डिसेबिलिटी कार्ड उनका हम लोग बना देंगे। आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो जाएगी, लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, तो हम आपको वो जो कैंप हमने किया था, कोशिश तो मैं ये कर रहा हूँ आचार संहिता पहले आपको भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर की है सबसे बड़ी सहायता समिति जो कृत्रिम अंग का उपकरण करती है, उनको बुलाकर 3 दिन का कैंप लगाकर सबको वो जो चिन्हित हुआ था सबको जो वितरण उपकरण आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा, कोशिश तो ये है हमारी। समय इतना है कि मेरे पास समय की थोड़ी कमी, इसलिए मैं चाहूंगा कि अधिकारी को बोलकर, जो हमारे विशाल जी बहुत एक्टिव है, इनको बोलकर मैं कहूंगा कि उनसे बात करके ये 10 तारीख से 5 और 10 के बीच में कोई 3 दिन का समय रखकर उनको, जिनके पांव नहीं है पांव वो यही आके बनाएंगे, हाथ की मशीनें वही देंगे, कोई कानों की मशीनें वही देंगे, बैसा की वही देंगे, साइकिल वही देंगे, और बहुत सारे उपकरण जो है वो देंगे। मैं आपको बताऊं कि पहले हमारे दिव्यांगता की श्रेणी में 7 कैटेगरी थी पहले, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने 2016 में उन्होंने 7 तरह की डिसेबिलिटी को बढ़ाकर 21 तरह की कर दी। अब कोई सर में कोई मानसिक रूप से अगर कोई विकसित टाइप का व्यक्ति है जिसको मानसिक संतुलन नहीं रहता उसको भी दिव्यांगता श्रेणी में गिन लिया गया, थैलेसीमिया से पीड़ित कोई व्यक्ति उसको भी दिव्यांगता की श्रेणी में गिन लिया गया, और ये जो अपने और एक बीमारी है ना वो क्या नाम है जो खनन करते हैं, श्वास की बीमारी आती है सिल्कोसिस, सिल्कोसिस भी हमने इसके अंदर काउंट कर लिया है।
तो ये 21 तरह की दिव्यांगता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांगता की श्रेणी को बढ़ाया है। अब 21 तरीके की हम लोग जब पिछली बार कैंप लगाए तो उन 21 तरह की बीमारियों को चिन्हित करके आप लोगों के वो कार्ड बनाए थे, जल्दी आपको प्रिंट मिल जाएंगे। चुनाव के बाद हमारे पास में अभी तक 10,000 के करीब पूरे राजस्थान से स्कूटी की एप्लीकेशन आई हुई है। तो चुनाव के बाद में नए सिरे से उनके आवेदन लेकर लगभग सब लोगों को जितने एप्लीकेशन आई है उनको हम लोग स्कूटी देंगे। राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है 40% से अधिक की दिव्यांगता और भारत सरकार की 80% से ऊपर की दिव्यांगता, इसमें हम लोग वो बैटरी ये जो स्कूटी है वो वितरण करते हैं। तो जल्दी ही उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे भी अगर 80% नहीं उसको थोड़ी दिव्यांगता की श्रेणी को अगर हम लोग परसेंटेज में कम कर दें तो बहुत अधिक लोगों को फायदा। साथी योजना के अंदर जो हमारे जो साथी थे किसान भाई थे जिनकी कहीं मौत हो गई या कहीं निधन हो गया उनका, उनके भी लगभग 22 लाख रुपए के चेक कृषि मंडी समिति के माध्यम से हमने दिए। जो आजकल सिस्टम ये हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद में कि अब ना चेक की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं, सीधा प्रधानमंत्री जनधन खाते जो खुलवाए थे उसके माध्यम सीधा उनके खाते में पैसा चला जाता है। अभी जिन जिन लोगों को चेक हमने दिया लिए लगभग 22 लाख रुपए की राशि थी उनके सबके खाते में आज की तारीख को पैसे पहुंच चुके हैं। तो अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं है जो राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूँ जेठानो, जैसे दलाली थी जो बिचौलिए थे जो एजेंट थे जो खाने वाले थे वो दलाली मोदी जी ने बंद कर दी। आज जो 2 लाख रुपए मिलते हैं सीधा का सीधा उनके बेचारे किसान भरे खाते में मिलते हैं, सीधा उनके खाते में पहुंच जाते हैं। आपकी पेंशन भी होती है, पेंशन भी सीधा सीधा आपके खाते में पहुंच जाती है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिश्वत का पैसा जो कोई अधिकारी कर्मचारी जो बीच में खा जाता था, दलाल खा जाता, प्राइवेट पर्सन भी था, उसको खत्म करने का काम उन्होंने किया। सीधा फायदा हर एक स्कीम का आपके जनधन खाते के माध्यम पूरा लाभ आप तक पहुंचता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच है कि हमारे जो दिव्यांग जन है समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसलिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग आपके साथ खड़ा है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पिछले दिनों देखा होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर जो पहले 1,000 रुपए थी उसको 1,150 रुपए कर दिया, सभी तरह की पेंशन को 1,150 रुपए कर दिया। समय समय पर और बढ़ाकर हमारा प्रयास 5 सालों में 1,500 रुपए तक हम इस पेंशन को बढ़ा देंगे। और आप लोगों के लिए दिव्यांग भाइयों के लिए हमारी सरकार ने तय किया है, केंद्र सरकार ने तय किया है कि जहां कहीं बस स्टेशन होगा तो रैंप की व्यवस्था होगी, रेलवे स्टेशन पे रैंप की व्यवस्था होगी और कहीं बड़े जो स्टेशन है वहां पर एस्केलेटर की व्यवस्था भी होगी, जो वो आती है लिफ्ट बिजली वाली जिसमें हम लोग चढ़ते हैं वो भी आपके लग जाएगी। तो दिव्यांग भाइयों और बहनों को किसी भी शारीरिक जगह पर चढ़ने उतरने पहुंचने में आवागमन में कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। मेरा पूरा प्रयास है कि जेतारण का कोई भी दिव्यांग जन जो 40% से अधिक की दिव्यांगता रखता है उसको कोई न कोई उपकरण देकर आने वाले महीने 2 महीने के अंदर उसको पूरा करेंगे उसका वो जो दिव्यांग सर्टिफिकेट।